जय श्री राधे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि असली संतों की पहचान किसी बाहरी चेष्टा से नहीं हो सकती। संत का असली स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। वृंदावन में एक ग्वारिया बाबा थे। कुछ ही वर्ष पहले उनका शरीर छूटा है। उनका बड़ा विचित्र ढंग था। वे अपने को श्याम सुंदर का सखा मानते थे और सचमुच थे भी। उनकी विचित्र विचित्र बातें आती हैं। दिन भर पता नहीं कहां कहां घूमते रहते थे। एक दिन रास्ते में पड़े थे। रात का समय था। कई चोर उस रास्ते से जा रहे थे। चोरों ने बाबा से पूछा, कौन हो? वे बोले, तुम कौन हो? उन सब चोरों ने कहा, हम तो चोर हैं। इन्होंने कहा, हम भी चोर हैं। उन्होंने कहा, चलो तब चोरी करेंगे। इन्होंने कहा, हाँ हाँ चलो। सबके सब चोर और बाबा एक ब्रजवासी के घर में चोरी करने घुसे। वे सब तो चोर थे ही। उन सब ने सामान बांधना आरंभ किया। ये कुछ देर तो खड़े रहे, फिर वहीं एक ढोलक पड़ी थी। उसे लगे जोर से ढमाढम बजाने। घर के सारे आदमी जाग गए। वे सब तो चोर भाग गए, पर ये बाबा ढोलक बजाते रहे। घर वालों ने आकर चार पांच डंडे बाबा के लगाए। अंधेरा था, रोशनी जलाई तो ग्वारिया बाबा बैठे थे। उन सबको बड़ा दुख हुआ कि हमने महात्मा को डंडे मार दिए। तब सबने बाबा से पूछा, बाबा तुम कैसे आए? बाबा बोले, चोरी करवे के ताई आए। उन सबने पूछा, और कौन कौन हते? बोले, श्याम सुंदर के सब सखा थे। अब देखिए इन बाबाओं की कैसी चेष्टाएं होती हैं। और तो और, ग्वारिया बाबा मरने के कुछ दिन पहले बोलने लगे कि अब यार का नोटिस आए गयो है, अब यहाँ नहीं रहूंगो। मरने के दो दिन बाद वहां से कुछ दूर एक भक्त था, उसके यहाँ गए और दूध पिया। बाबा का एक भक्त था, बड़ा बीमार था। रोने लगा कि बाबा या तो अच्छा कर दो या अब अपने पास में बुला लो। स्वप्न में आए बाबा। मरने के दूसरे दिन की यह बात है। और उससे कहा, रोते क्यों हो? चल, हमारा उत्सव मनाया जा रहा है, देख। फिर स्वप्न में ही उसे ले गए, जो जो था दिखलाया। फिर कहा, अमुक दिन तुम्हें लेने आएंगे। नींद खुलने पर उस भक्त ने जांच की, ठीक ठीक वैसे ही उत्सव हुआ था, वैसे ही उसने स्वप्न में देखा था। और फिर उसी बताई हुई तिथि को वह मर गया। बाबा उसे अपने साथ ले गए। उनकी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं कि सबका समझना कठिन हो जाता है। पर वे थे सचमुच श्याम सुंदर के सखा, सच्चे महात्मा थे। उनकी कई चेष्टाओं का कुछ भी अर्थ नहीं लगता। 2 महीने मरने के पहले अपने हाथों में हथकड़ी डालकर घूमते रहते थे कि श्याम सुंदर ने कैद कर लिया है। बड़े भारी संगीतज्ञ भी थे। कहने का सारांश यह है कि किसी की बाहरी चेष्टा भगवत प्राप्ति का प्रमाण नहीं बन सकती, और बहुत ऊंची चेष्टा करने वाले में भी त्रुटि रह सकती है, तथा कोई बावला सा नगण्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा महात्मा हो सकता है। ब्रज के प्रेमी संतों का जीवन सुनने पर तो ऐसा मालूम होगा कि कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई पागल हैं। कितनों में बाहर से कुछ भी प्रेम के लक्षण नहीं दिखते, पर उनके भीतर श्री कृष्ण प्रेम का अनंत सागर लहराता रहता है। इन प्रेमी संतों की पहचान बाहर से नहीं हो सकती। ब्रज जीवन कुछ इतना पवित्रतम जीवन है कि उसका कण ही यदि किसी की कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या। ऊंची से ऊंची मर्यादा की पारमार्थिक स्थितियों से भी वह सर्वथा उपराम हो जाता है। परंतु यह करने से नहीं होता। यह तो भजन के फल स्वरूप भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक में प्रकट होता है। निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते उस कृपा का प्रकाश अवश्य होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रज प्रेम की साधना वस्तुतः आरंभ होती है। उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती होती है, रुचि पूर्वक नहीं।
पर जबरदस्ती साधना करना भी बड़ा उत्तम है। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहीं एक बार भी वे कृपा करके स्वप्न में भी किसी को अपनी एक झलक दिखला दें, झांकी दिखा दें, तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह उस रूप के पीछे पागल हो जाए। पर वे किसी के वश में तो हैं नहीं। शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं कि कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे अनंत जन्मों से बाट देखते हैं, पर वे सामने नहीं आते। वे कृष्ण बड़े ही मौजी हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, पूज्य श्री।